मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करते हैं तो जो काम लीनियर मोशन में एक्स करता था, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है? थीटा करता है। जो काम वी करता था वो ओमेगा करता है, जो ए करता है वो अल्फा करता है। अगर आपको याद हो, जो काम फोर्स करता है वो काम इसमें टॉर्क करता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन। जो काम उसमें मास करता था, हम बोलते थे व्हाट इज मेजर ऑफ एनर्शिया, तो आप बोलते थे मास इज मेजर ऑफ एनर्शिया, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन के अंदर सिर्फ मास कंसिडर होता था, शेप मैटर नहीं करती थी। तो हम इनर्शिया पे काम करते थे, मास पे काम करते थे, पर यहाँ पर शेप के साथ साथ मास और शेप दोनों मैटर करते हैं। तो जिसमें मास और शेप दोनों आए उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम मास करता है वो इसमें इनर्शिया करता है, जो ए करता है वो यहाँ पर अल्फा करता है। तो फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जो काम इसमें पी करता है लीनियर मोमेंटम वो एल करता है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला था डी पी बाई डी टी, और यहाँ पर टॉर्क बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ पी की जगह क्या जाएगा? एल आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। नेक्स्ट है इसमें आप अगर बात करते हैं रिंग की, तो याद रखें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास करता है, फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं डिस्क की, तो डिस्क का फॉर्मूला 1/2 एम आर स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा। अगर एक्सिस इस तरीके से है तो 1/2 एम आर स्क्वायर ऐसे। तो उसी तरीके से अलग अलग बॉडीज़ हैं, तो अलग अलग बॉडीज़ का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे ठीक, जैसे सपोज जैसे मान लो आपके पास पहली रिंग है, रिंग का फॉर्मूला नोट किया एम आर स्क्वायर। फिर आपके पास डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर। आपके पास एक रॉड है, अगर रॉड का एक्सिस सेंटर से पास करे तो फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 12 है। अगर सॉलिड स्क्वायर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर हॉलो है तो याद रखना, अगर ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो भी बहुत आता है, तो हॉलो के अंदर ये स्फेयर का फॉर्मूला 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो हॉलो में 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का बता दिया हाफ एम आर स्क्वायर, अगर एक्सिस यहाँ से पास करता है, और अगर एक्सिस यहाँ से पास करता है तो फॉर्मूला एम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 12। तो एम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 12 याद रखना। ठीक है, यहाँ तक तो ये इसके मेन फॉर्मूलाज हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधा फॉर्मूले पे तो नहीं आते, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दो थ्योरम्स हैं जिसको थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं, उसके ऊपर दबा के आते हैं, बहुत आते हैं। जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, देखो उसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, जैसे रिंग है, रिंग है, अगर रिंग का एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास करता है तो फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है, और अगर कोई एक्सिस इसके पैरेलल यहाँ से पास करता है आर डिस्टेंस पे, तो एम आर स्क्वायर जो आए है ये तो है ही है, प्लस मास ऑफ रिंग इनटू दोनों एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो बेसिकली जैसे डिस्क है, अगर एक डिस्क है, डिस्क का एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है, और अगर एक्सिस यहाँ से पास करता है तो हाफ एम आर स्क्वायर तो है ही है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर भी होगा, तो 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। तो ये रूल है। अगर सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का वैसे तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, पर अगर एक्सिस पैरेलल है तो 2/5 एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक रॉड है, थिन रॉड है,
थिन रॉड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, पर अगर एक्सिस यहाँ से पास करता है एल बाई 2 डिस्टेंस पे, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस मास इन टू डिस्टेंस का स्क्वायर सॉल्व करके आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉड का सेंट्रल एक्सिस पे एम एल स्क्वायर बाई 12 है और टेंजेंट एक्सिस पे एम एल स्क्वायर बाई 3 है। तो इस तरीके से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज़ किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये एक्सिस एक लैमिना के ऊपर लगती है। लैमिना का मतलब एक 2D बॉडी, स्फीयर इज नॉट अ लैमिना, डिस्क इज अ लैमिना, रिंग इज अ लैमिना, जो 2D बॉडी है उसको लैमिना बोलते हैं। तो लैमिना के ऊपर लगती है। अगर आपका कोई एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, मतलब ये जो है प्लेन के बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर, और एक एक्सिस यहाँ पर है और एक एक्सिस यहाँ पर है ऐसे, तो ये एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ एनर्जी है, जो इसके अबाउट है और जो इसके अबाउट है, इनके सम के इक्वल होगा। मतलब इसके अंदर इस परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया इन दो एक्सिस जो आपस में सब के सब परपेंडिकुलर हैं उनके सम के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड ये दो एक्सिस प्लेन में होने चाहिए और ये आउट ऑफ प्लेन होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है। आपको डिस्क के डायमीटर के अबाउट निकालना है वैल्यू क्या होगी। तो डायमीटर में जो भी होगी वैल्यू होगी तो सिमेट्री में बराबर होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, जो प्लेन के अंदर एक्सिस है उसका सम हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल है, तो डायमीटर के अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक शॉर्टकट भी है, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस में मोमेंट इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर के ऊपर उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। जैसे अगर परपेंडिकुलर में 10 है तो डायमीटर में क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिंपल है, तो 10 है तो 5 हो जाएगी, चाहे वो रिंग है चाहे वो डिस्क है, कॉन्सेप्ट उसका सेम ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए अब आगे चलते हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सीधा, देखते हैं क्या क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। और हाँ, इसके आगे मैं आगे चलूँ, इस पर तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का तरीका बता देता हूँ। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अगर मान लो किसी भी बॉडी का 2/5 एम आर स्क्वायर मोमेंट इनर्शिया है, ये निकलता कैसे है, हम मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर को शेल मानते हैं, एलिमेंट्री पोर्शन पहले शेल का निकलेगा फिर इंटीग्रेट करके स्फीयर का निकलेगा, एक्चुअल मेथड से करते हैं। पर गायरेशन ये कहते हैं कि इमेजिन कर लो वो स्फीयर नहीं है, वो एक पॉइंट मास है, और इमेजिन करो वो एक ऐसे इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कि उसका आंसर एग्जैक्टली यही आ रहा है जो स्फीयर का एक्चुअल तरीका था। तो मान लो उस गायरेशन का तरीका एम के स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम इसे इक्वेट कर लें तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसके इक्वल हो जाएगा। तो गायरेशन निकालना है तो एक के का फॉर्मूला 2/5 का अंडर रूट इन टू आर हो जाएगा। वैसे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा चलता है। तो जैसे मान लो आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और अगर मैं पूछूँ इसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो हाफ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी मोमेंट इनर्शिया गिवन है उसका के निकालना है, उसको एम के स्क्वायर करके आंसर निकाल लेना। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास फॉर अ मोमेंट इनर्शिया अबाउट डायमीटर एक्सिस ए बी इज शोन इन द फिगर। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का डायमीटर है, पहले मुझे एक बात बताओ कि एक अगर सॉलिड स्फीयर लेता हूँ, चलो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, चलो हॉलो लेते हैं। हॉलो का क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। और अगर मैं ये कहूँ कि 2/3 एम आर स्क्वायर है और आप इसके डायमीटर के अबाउट निकालो आई क्या होगा, तो डायमीटर पे वैल्यू रिमेन सेम, क्योंकि इसमें हाफ मत बोल देना, क्योंकि डायमीटर और सेंट्रल एक्सिस एक ही बात है, 3D बॉडी है ना स्फीयर, तो स्फीयर में जैसे मर्जी एक्सिस घुसा लो आंसर तो सेम ही रहता है सब में, तो 2/3 एम आर स्क्वायर ही है। और इसके अबाउट क्या निकालना है, अगर इसके अबाउट निकालना है तो एक काम करना पड़ेगा आपको, पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से यहाँ पर इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। और एक सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर,
तो अगर आप इस डिस्टेंस यानी कि 4R का आधा कितना है 2R लेके जा रहे हो, तो आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो तुम इसमें हम एक, चलो ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, ये तो ठीक है 2/3, इसका एक्सिस निकालना कैसे? ठीक है सॉरी सॉरी ठीक है एक्सिस सॉरी परपेंडिकुलर राइट सही कह रहे हो, क्योंकि एक्सिस ऐसा नहीं है। हाँ इसके अबाउट हाफ एम आर, बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा एम इंटू आर स्क्वेयर बाई 4 एल स्क्वेयर बाई 12 वाला, हाँ राइट वही लगेगा। तो एल की वैल्यू भी इसमें 4R की फॉर्म में गिवन है, राइट। तो बड़ा फॉर्मूला लगाओ जो भी लिखवाया था और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एक्सिस को शिफ्ट करो। तो इसमें पहला आंसर तो मैंने बताई दिया आपको 2/3 एम आर स्क्वेयर ही है, और डिस्क के केस में क्या बताया था एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वेयर बाई 12 होता है, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इनके बीच में डिस्टेंस अगर एल बाई 2 है तो एल बाई 2 का स्क्वेयर। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है अगर ये 4R है तो ये कितना है 2R है, तो इन्हें एल का चक्कर ऐसे ही डाल दिया, और नेसेसरी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप अपने तरीके से इसको कर लें। तो आप सिंपल ये लें, इसके अबाउट फॉर्मूला क्या बनेगा एम इंटू कितना, इसका मास एम है, हाँ मास एम इंटू इसका रेडियस कितना है आर है, एम आर स्क्वेयर बाई 4 है, प्लस एम इंटू एल स्क्वेयर बाई 12 है। अब एल कितना है 4R, एम इंटू एल स्क्वेयर बाई 12 है। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इनके बीच में डिस्टेंस 2R है, तो तुम इस एक्सिस को इसके ऊपर शिफ्ट करो, तो एम इंटू 2R स्क्वेयर और ऐड करो, तो अब आंसर आएगा। तो ये एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक एक्सिस ये रहा एक एक्सिस ये रहा। अब आपको एक और भी काम करना पड़ेगा, आपको ये रेशियो किसकी गिवन है रेडियस ऑफ गायरेशन की, जो भी तुम ये वैल्यू निकालोगे मतलब फेयर में निकालोगे 2/3 एम आर स्क्वायर तो इज इक्वल टू एम इंटू के वन स्क्वायर, तो यहाँ से के वन की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू आर वैल्यू आएगी। ऐसी जो भी ये एक्सिस पे निकलेगा क्या निकलेगा एम आर स्क्वायर बाय 12 तो निकलेगा, और एम इंटू 4R का स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इंटू इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू के टू का स्क्वायर। यहाँ से के टू निकलेगा, फिर के वन बाय के टू निकलेगा, फिर के वन बाय के टू को इसके साथ इक्वेट करेंगे फिर एक्स निकलेगा, ऐसा करेंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी आराम से देने वाला है नहीं आपको नंबर, ठीक कुछ नंबर कमा, ये है मज़ेदार चीज़, ये तो मतलब किस्मत लॉटरी खुल गई 2022 में, तो क्या है फॉर्मूले लिख दिए उसमें रिंग डिस्क के मैच कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये लो ये आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, मोमेंट रशिया की अपलोडेड रिकॉर्डिंग है रोटेशनल की, वहाँ से एक 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 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, इतने तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप इसको वहाँ से ज़रूर सुने, इस किताब को रख लें, एक 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 करके पूरी किताब सॉल्व हो जाएगी आपकी, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी जो मेन मेन क्वेश्चन है उसमें सॉल्व नहीं है। देखा था कर लिया सारा नहीं पहुँचे नहीं है लेना। दिखी रही है इसमें क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास है, मास भी पता है और रेडियस भी पता है, और कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस सीडी पैरेलल टू एबी एज शोन द फिगर इज गिवन। तो आप पहले एक काम करो ना, पहले इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, है ना। तो यह है क्या सॉलिड सिलेंडर है, तो क्या होगा हाफ एम आर
स्क्वायर, और फिर क्या करोगे, इस एक्सिस के अबाउट इसे शिफ्ट कर दो। तो आप इसमें लगाओ फॉर्मूला, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपको, आए तो उसने दे ही दिया, तो आए इसलिए दिया ताकि आप मास निकाल सकें, और फिर आपको डेंसिटी पूछी है तो मास आ गया, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी वैसे सिंपल ही है, देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज गिवन बाय व्हाट। देखो जो स्क्वायर प्लेट है उसका फॉर्मूला नोट कर लें। रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगुलर लैमिना और अगर एक्सिस सेंटर है तो फॉर्मूला एम बाई ट्वेल्व एल स्क्वायर टू बी स्क्वायर होता है, पर ये स्क्वायर है तो एल और बी बराबर हो जाएंगे। तो आपको इसके अबाउट तो दे ही दिया, ये फॉर्मूला मालूम है ये रहा, पर आपको इस कॉर्नर के अबाउट निकालना। अगर एक्सिस कॉर्नर में पास करता है तो तुम ना हाफ डायगनल निकाल लो, हाफ ऑफ डायगनल पाइथागोरस से निकल आएगी। तो इस एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया इज इक्वल टू इसका मोमेंट इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका पहले डिस्टेंस निकाल लो, एल बाई रूट टू है, तो जो भी आंसर आएगा इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई सिक्स आएगा। एल और बी को इक्वल एल पुट करके एम एल स्क्वायर बाई सिक्स है, तो जो भी एम एल स्क्वायर बाई सिक्स है इस एक्सिस पे क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर मैं पैरल एक्सिस से शिफ्ट कर देना। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ नहीं है, अगर आपको सेंट्रल एक्सिस का आता है तो आप एक्सिस शिफ्ट करके डायगनल के एंड पे भी निकाल सकते हैं इसमें। जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम ये तो मैच दी फॉलोइंग, तो अल्लाह कहे तो बहुत सिंपल है, ये सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि इस बार वो इसके अबाउट पूछ रहा है, इसके अबाउट पूछ रहा है तो पहले इसका निकलेगा फिर इसका निकलेगा। पर इसका कैसे निकलेगा वैसे, इसका कैसे निकलेगा, ये क्या है? हाँ, कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये देखो इसके अंदर जैसे सपोज करो एक स्क्वायर है, ये रहा, इस स्क्वायर का अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर है एम बाई ट्वेल्व एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, ये रहा। और अगर कोई डायगनल है, अब स्क्वायर के डायगनल 90 डिग्री पे होते हैं, तो डायगनल के अबाउट फॉर्मूला सेम रहता है, तो एम एल स्क्वायर बाई सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू आई डी, आई डी प्लस आई डी, तो आई डी की वैल्यू क्या आएगी, एम एल स्क्वायर बाई कितना, 12। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मतलब डायगनल का इस तरीके से निकलता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है चार इक्वल मासेस हैं, चलो ये क्वेश्चन अलग है, ये पॉइंट मासेस हैं, ये रॉड नहीं है। अगर रॉड होती, अगर वो लैमिना होता तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तो पॉइंट मासेस हैं, पॉइंट मासेस में कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट मासेस में कह रहे हैं मोमेंट इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू डी बी ए लो। पॉइंट मास में कुछ करना ही नहीं है, इस पॉइंट मास का, किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, एम आर स्क्वायर। तो ये क्योंकि पॉइंट मास एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है तो इसका तो जीरो। फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे एम इंटू एल का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो इसके इक्वल होगा, तो हाफ डायगनल और ये एक ही बराबर है, तो एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और इसका भी एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इसका एम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आप इसे ऐड करेंगे, आंसर आएगा 65 का। ये सब इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत वन वन लाइनर टू टू लाइनर क्वेश्चन ही हैं। तो क्या करना है इसमें, वो कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ मास एम एंड लेंथ एल, और एक्सिस कहां से पास कर रहा है सिलेंडर के, बिल्कुल यहां से, तो लंबे वाला फॉर्मूला लगेगा ये रहा, दे ही दिया फॉर्मूला, दे ही दिया उसने।
इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास ऑफ मटीरियल, तो एल बाई आर की रेशियो निकाल लो ताकि मिनिमम पॉसिबल आई आए। मैथ्स तो ये कहता है कि आप इसको कैलकुलस से करेंगे क्योंकि आपको आय को मिनिमम करना है, तो नॉन मेडिकल में तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो पहले आप क्या काम करेंगे, आप पहले इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। वो कह रहा है मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ से आर स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे एल की फॉर्म में। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मिनिमा मैक्सिमा करने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करेंगे। इक्वल करके आपके पास एल बाई आर की रेशियो आएगी। नॉन मेडिकल वालों को मैक्सिमम मिनिमम आता है, एल बाई आर की रेशियो आएगी। मेडिकल वाले क्या करेंगे, नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो उठा उठा के ना वैल्यू पुट कर लेंगे एल बाई आर की यहाँ से, जिसका आंसर सबसे कम आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है? तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, उठा उठा के पुट ही कर लो यार, क्या कैलकुलस में लगे हो, उठा उठा के पुट कर दो, जिसका आंसर मिनिमम है वही आंसर है, चार बार पुट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक वो अप्रॉक्सीमेट तो आ ही जाएगा ना, करके देख ले। आर तो कॉमन निकाल ले इसमें, आर स्क्वायर कॉमन निकाल ले, तो आर तो सब कॉन्स्टेंट है, तो एल बाई आर की रेशियो से आ जाएगा। ठीक है, पर हर में नहीं चलेगा भाई, मैक्सिमम इनमें करना ही पड़ता है नॉर्मली, इसमें चल गया चल गया। नेक्स्ट, देखो ये सारे क्वेश्चन ना टाइम कंज्यूम करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम लगेगा इसमें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिकॉर्डिंग खोल के बैठ जाएंगे, और देखो मैंने सॉल्व तो कुछ नहीं किया उसमें, मैं तो ट्रिक्स ही बताई हैं, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन की बताई हैं, ऑलमोस्ट थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व ही किया गया उसमें, मतलब बताया हुआ है ट्रिक, करना तो आप ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा बस जल्दी हो जाएगा काम, और कुछ नहीं है, काम तो करना ही है। ठीक है, तो उसमें फ़ायदा होगा, आप उसको जल्दी ख़त्म करेंगे, उसमें ज़्यादा एडवांटेज है, उसको ख़त्म कर दें जल्दी। मैंने शायद ग्रेविटेशन की भी लगा दी है उसमें, लगा दी ना, तो ग्रेविटेशन जो कर सकता है रोटेशन ग्रेविटेशन खत्म कर ले अपना काम, क्योंकि हर ट्यूशन पे अब टेस्ट स्टार्ट होंगे, पीसीएम की स्टार्ट हो जाते हैं सभी ट्यूशन पे, तो वहाँ पर आपको एडवांटेज भी रहेगा, नहीं तो फिर हैंडल नहीं हो पाएगा आपसे, वो टीचर रख देगा आपको क्योंकि मैंने किया नहीं। आंसर आ गया इसका, इसका फोर है क्या आंसर, इसका आंसर बी है। कंसिडर टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियाई, आर और अल्फा आर सेम मटीरियल है, इफ़ रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू है अबाउट देयर एक्सेस, तो आपको अल्फा निकालना है क्या। तो ये क्या बॉडी है, ये डिस्क है। देखो डिस्क का जब भी आपको ना मटीरियल थिकनेस ऐसी बातें करेगा, तो हाफ एम आर स्क्वायर में मास को मास मत रखना, मास को पुट करना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी भी सेम है और थिकनेस भी सेम है, तो मास को लिखें वॉल्यूम इंटू जो है इसकी डेंसिटी, या फिर ऐसा करें आप इसमें ऐसा कर लें, इसमें डेंसिटी चलो ठीक है चलेगा ऐसे, ठीक है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का तो भी सही है, तो मास की वैल्यू आ गई। तो अब ऐसा करने से एक फ़ायदा होगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर फोर हो जाएगा, लेकिन करना ये तभी जब आपको मटेरियल की बात करेगा, ग्रेविटेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है, अर्थ की जब बात होती है, अर्थ के अंदर की बात, अर्थ के इनसाइड की हम वैल्यूज निकालते हैं, तो मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बस। अदरवाइज अगर बाहर काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनसाइड काम कर रहे हैं और वॉल्यूम डेंसिटी मेंशन है, तो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके आर का रिलेशन निकाल के आंसर आएगा। बट नहीं तो हम आर स्क्वायर, अगर हमें ना पता होता हम आर स्क्वायर ले लेते, अब हमें पता लग गया आर की पावर फोर का फॉर्मूला है, बस ये बात है, तभी आपने आंसर शायद ए बोला क्योंकि आपने आर स्क्वायर लिया। ये फॉर्मूला देखो उन्होंने डाल रखे, इसको याद करना पड़ेगा। तो एक फिगर कोन है, देखो हम कोन तो नहीं करते, कोन का मोमेंट इनर्शिया बोलो कहाँ किया, कोई किताब देती भी नहीं है, इसे दे दिया, एक कोन है और ये इस टाइप से ओपन है, और ये हॉलो आइसक्रीम कोन है, और मास इसका एम है और रेडियस इसका आर है, तो मोमेंट इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस क्या होगा, तो मोमेंट इनर्शिया एक्सिस का हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ये नोट कर लें मतलब याद कर लें, हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा। ठीक, मतलब आप वहाँ बैठ के ये डिफ्रेंसिएशन आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते भाई, इतनी बड़ी कौन ही कर रहा है इसको, कोन को डिस्क ले लेके ले लेके रिंग ले लेके रिंग्स की इंटीग्रेशन, इतना समय कहाँ है किसके बाद, तो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कर दो। ठीक, जैसे हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, ये तो बहुत आती है मेंस में यार, तो लाइन लगी पड़ी है, मतलब आपके आपका लक है,
अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन आता है थ्योरम पे, फिर तो ठीक है, वो तो जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही आएगा, लेकिन नहीं तो फिर ऐसा आएगा, ऐसे आते हैं मेंस में तो बहुत आते हैं। तो रॉड इज गिवन, देखो ना लीनियर मास डेंसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, मास चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। एम इज द मास ऑफ द रॉड, मोमेंट इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्या होगा, तो ए भी रॉड है और एक्सिस ए से पास कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला टेंजेंट का तो मुझे पता है एम स्क्वायर बाय थ्री है, प्रॉब्लम यह है कि मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो रॉड का केस बिल्कुल ही क्लियर है, रॉड के केस में मान लो ये रॉड है, ये ए बी है, एक रॉड है और एक ए बी है, तो आप अब कुछ नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप एम एल स्क्वायर बाय थ्री यूज़ कर सकते थे, पर अभी वो कह रहे हैं मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप ये एक्सेस लें, स्मॉल मास लें, डी एक्स लें और एक्स डिस्टेंस पे लें, तो यहाँ से डी एम की वैल्यू निकाल लें, डीएम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ जो गिवन है क्वेश्चन में, तो लैम्डा इंटू डी एक्स है, तो डीएम आ गया, पॉइंट मास है ये डीएम, पॉइंट मास का स्मॉल मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर, तो डीएम की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, डीएम की जगह लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर इस लैम्डा को यहाँ पे पुट कर दें और आप इसे इंटीग्रेट करें 0 से L तक, आपके पास आंसर आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी आंसर नहीं आया, मतलब ये करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, उसे आई नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, इफ एम इज द मास ऑफ द रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पूछा है, लेकिन लैम्डा नॉट की फॉर्म में नहीं पूछा, एम की फॉर्म में पूछा है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारा आंसर किस फॉर्म में आया है, लैम्डा नॉट की फॉर्म में आ गया। अब एलिमिनेशन करना पड़ेगा, एलिमिनेशन कैसे, लैम्डा इंटू डी एक्स का स्मॉल मास है, 0 से L इंटीग्रेट करके टोटल मास आएगा, तुम अलग से फिर से इंटीग्रेट करो और टोटल मास निकाल दो, और टोटल मास जब आप सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल मास ऑन इंटीग्रेटिंग क्या आ रहा है, 3/2 लैम्डा नॉट इंटू एल, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 2 ऐसे, इसको यहां पुट करते हैं, अब आंसर आएगा। तो जिन क्वेश्चन में आपको लैम्डा नॉट में आंसर नहीं निकालना, आपको एम की फॉर्म में आंसर निकालना है, फिर आपको मास को अलग से इंटीग्रेट करके लैम्डा नॉट को मास की फॉर्म में वापस पुट करना है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, ये मैं बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इनको, ठीक है, ये तो स्टार्ट है अभी, अभी और भी इसी के चलेगा। तो जैसे डिस्क कटिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है, डिस्क कटिंग के अंदर ऐसा करते हैं कि सपोज एक डिस्क में से डिस्क काट के फेंक दी, तो बचे हुए एक्सेस में से आई क्या निकलेगा, तो तुम एक काम करना, तुम पहले इस पूरे डिस्क का आई निकाल लेना, ½mr², फिर तुम कटी हुई डिस्क का आई निकाल लेना, दोनों को माइनस मत करना, क्योंकि कटी हुई डिस्क का एक्सेस और इसका एक्सेस डिफरेंट है, तो पहले तुम कटी हुई डिस्क का आई निकाल के इनके बीच में दूरी निकाल के थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस है, इस एक्सेस को इस पे शिफ्ट करना, तो आई डैश आएगा, फिर टोटल डिस्क के आई में से इस आई डैश को माइनस करना, अब आंसर आएगा। तो जब तक तुम्हारे एक्सिस कॉमन नहीं होते माइनस मत करना, तो पहले पूरी डिस्क का निकालना, फिर इसका निकालना, फिर इसको इसके ऊपर पहले शिफ्ट करना, फिर माइनस करना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, ऐसे माइनस मत करना, आंसर नहीं आएगा। जैसे फिर से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है,
तो क्या क्वेश्चन है? मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एज शोन। अब ये लैम्डा नहीं है, मास अपॉन लेंथ नहीं है, मास अपॉन एरिया है। तो सिग्मा गिवन है इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब कुछ नहीं कह रहा, डिस्क का आई निकाल दो। अब डिस्क का आई कैसे निकाल लें? डिस्क का आई तो मुझे पता है हाफ एम आर स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लगा नहीं सकता, क्यों नहीं लगा सकता? मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डिस्क को रिंग से सॉल्व करूंगा। मैं इस डिस्क में से एक रिंग लूंगा, इस रिंग का रेडियस आर लूंगा, इसकी थिकनेस जो है वो डी आर लूंगा। तो इसका जो मास आएगा, मास वो क्या करूंगा, सिग्मा को रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिंग का मास आ जाएगा। अब मास ऑफ रिंग क्या है? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग क्या है? देखो एरिया है सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस हमेशा क्या होता है? एरिया होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा जो भी गिवन है उसको उठा के यहां पे पुट कर लूंगा तो मास आ गया। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का क्या बनेगा? रिंग का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डीएम इनटू, और इस रिंग का रेडियस क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर। जो भी डीएम आएगा उसको उठा के यहां पुट कर लूंगा और जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करके टोटल डिस्क आ जाएगा। तो बेसिकली एनसीईआरटी की डेरिवेशन ही है जो प्लस वन में किया करते थे, ये उसी को इसने कन्वर्ट कर दिया। सिग्मा बहुत आए हैं लैम्डा और सिग्मा के ऊपर, जो मेंस वाले हैं उनको पक्का करके जा रहे हैं क्वेश्चन आने में, बता रहा हूँ उनको लैम्डा सिग्मा पे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूरे देखो मोमेंट इनर्शिया की प्रॉब्लम बता देता हूँ, या तो सिंपल फॉर्मूला पेस्ट आएगी, एक टाइप का सबसे आसान क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। दूसरा थ्योरम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस की एप्लीकेशन है, वो आती है, बहुत आती है। और तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको लैम्डा या सिग्मा के ऊपर काम करने को होता है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। और लास्ट जो है वो एक क्वेश्चन था यार इसमें, ये बाकी इजी है, इसमें मेन जो है वो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। ये रहा इस टाइप का, तो क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज कट फ्रॉम अ थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड। तो एक ट्राइंगल को हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब कह रहे हैं जी सेंट्रॉइड है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल इज आई नॉट। तो कह रहे हैं पूरा ट्राइंगल जो है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। इस स्मॉलर ट्राइंगल डी ई एफ इज रिमूव फ्रॉम ए बी सी, काटो और फेंक दो, तो बचा हुआ मोमेंट इनर्शिया क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस पूरे ट्राइंगल का सेंट्रॉयड के अबाउट जो जो वैल्यू है वो कितनी है? वो आई नॉट है। अगर आप मुझे ये बता दो कि कटे हुए पोर्शन इस ट्राइंगल का आई कितना है, तो मैं माइनस करके आंसर निकाल दूंगा। तो इस ट्राइंगल का कितना है? इस ट्राइंगल के लिए एक काम करते हैं, किसी भी देखो ट्राइंगल के फॉर्मूला हमें आते नहीं है, पर पूरे ट्राइंगल का जो भी फॉर्मूला होता होगा, ट्राइंगल की साइड अगर ए है, ए साइड है, तो जो भी कोफिशियंट आता होगा मुझे पता नहीं, मैंने के लिख लिया, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैंने कुछ भी नंबर के लगा दिया, के इंटू एम एस स्क्वायर के फॉर्म में आता होगा। एम एस स्क्वायर तो आना ही आना है ना, पीछे नंबर मुझे पता नहीं। अब अगर के कॉन्स्टेंट है, अब एक काम करते हैं, जो कटी हुई डिस्क है ये, जो सॉरी ये ट्राइंगल है, इसका इसकी साइड निकालते हैं। अगर ये ए है तो ये ए बाई टू है, आता है बाइसिमेट्रिकल है ना ये, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? के, अब क्योंकि वो वन फोर्थ है, वन फोर्थ क्यों है?
एक दो तीन चार ट्राइंगल हैं, तो इसका मास अगर पूरे ट्राइंगल का एम लिया तो इसका एम बाई फोर है, पूरे का एम लिया था तो इसका एम बाई फोर है, तो क्या बनेगा, के इंटू एम बाई फोर इंटू ए बाई टू का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से के की वैल्यू आई नॉट बाई एम ए स्क्वायर पुट करके ये वैल्यू आएगी, के को इलिमिनेट भी तो करना है ना, तो ये वैल्यू आएगी। अब दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। तो के को इलिमिनेट करने का तरीका देखा आपने कैसे, अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, के लगा लेना है फिर के की वैल्यू को आई नॉट के फॉर्म में पुट करना है। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक। तो आप